राज्य मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह शनिवार को दो दिवसीय दौरे के तहत अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे। जिले में गिरिराज सिंह ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में किए जा रहे किसान आंदोलन और पश्चिम बंगाल के हालात पर बातचीत की। गिरिराज सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन को भटकाने का काम किया जा रहा है, आंदोलन में किसानों के हित की बात नहीं हो रही है। आज किसान आंदोलन में विदेशी ताकत घुस रही है। आंदोलन में खालिस्तान और शर्जील इमाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस पर विपक्ष और किसानों को बोलना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री किसानों के साथ हैं। इस किसान बिल में ना तो एमएसपी खत्म हो रही है और ना ही मंडी। कृषि कानून किसानों के हित में है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए पत्थरबाजी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में संघीय ढांचा को तोड़कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन लोकतंत्र में खूनी तंत्र का कोई स्थान नहीं। बंगाल में जेपी नड्डा पर फेंके गए हर एक पत्थर से अगले चुनाव में टीएमसी का स्मारक बनेगा।